बॉडी को बाहर निकाल लिया गया है, बॉडी को बाहर निकाल लिया गया है, और किस तरह से इस रस्सी के माध्यम से उस शव को बाहर खींचा जा रहा है, नहर के किनारे कर लिया गया है, और अब इस नौजवान युवक की लाश को बाहर निकाला जाएगा ताकि इसकी पहचान कहीं ना कहीं की जा सके, क्योंकि जिस परिवार का ऐसा सदस्य है ना जाने उसके परिवार के लोग कब से ढूंढ रहे होंगे। फाल्टर लगाई है जी, इसका पहले भी किसी के साथ चक्कर था जी, तो इसने पहले भी इसे मारने की धमकी दी थी जी। तो क्या लगता है कैसे मौत हुई आपके भाई की? सर ये तो देखो मर्डर है जी, ये तो सरेआम दिख रहा है, मारिया इनकी और मर्डर के मारिया जी, इनमें पूरी इसका जो इसकी वाइफ है जी और इसके पूरे परिवार का हाथ है जिसके अंदर। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, कल हमने आपको मौके से तस्वीरें दिखाई थी कि एक नौजवान युवक की लाश जो है मिलती है नहर से, लेकिन उसके बारे में जानकारी मिल गई है, महेंद्र उसका नाम बताया जा रहा है, जो निसिंग का रहने वाला था, जो आया तो 7 से 8 दिन पहले अपनी पत्नी के साथ करनाल था, लेकिन अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाता है, और कल जो है करनाल के चमारखेड़ा पुलिया के पास जो है नहर से उसकी लाश बरामद होती है, गले से भी उसके कोई निशान देखे गए थे, नीले रंग की जींस उसने डाली हुई थी, नीले रंग की उसने टी शर्ट डाली हुई थी, और इस समय आप देख सकते हैं उनके परिवार के लोग जो है इस समय पोस्टमार्टम हाउस में पहुंच गए हैं और उसी की पत्नी पर जो है आरोप लगाते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, इस समय उनके जो भाई हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आप कुछ बताना चाहेंगे, कब से जो है आपके भाई लापता थे और कल नहर में बॉडी मिली है, कैसे पहचान हुई? सर ये 4 तारीख को गायब हुआ था लड़का, ये अपनी वाइफ के साथ गया था जी, हमें नहीं पता जी इसे क्या बोल के लेके गई है, तो ये उसे कहती है कि जी मेरे को ये हॉस्पिटल के बाहर छोड़ के चला गया है, कि मेरे को नहीं पता ये कहाँ गया कहाँ नहीं गया, उसने हमारे को किसी को नहीं बताया जी कि आपका भाई गायब हो गया है या मेरे को छोड़ के चला गया है, तो ये सीधा वहां से अपने मायके चली गई जी, घर चली गई, मायके चलने के बाद हमें जो मैं रहता हूँ जी देहरादून में, उसका भाई हूँ जी, तो मेरे को मेरे भतीजे ने फोन करा, कहने लगा कि चाचा कि मेरा चाचा आपके पास आया गया, मैंने जी पूछा जी अभी मेरे पास तो आया नहीं, क्या हुआ? कहना जी 4 दिन से गायब हो गया, तो मैंने अपने भाइयों के पास फोन करा, अपने रिश्तेदारों के पास फोन करा जी, तो मैंने इसकी टोहाल करी जी, ढूंढा हमने अपने रिश्तेदारों के पास जी, तो इसने तब भी नहीं हमें बताया जी कि मतलब वो गायब हो रखा, इसका कोई हमें पता नहीं जी ये कहाँ है कहाँ नहीं है जी, तो उसके बाद जी ये हमें नहीं मिला लड़का, हमने क्या करा जी, इसका पहले भी मैटर हुआ था जी दोनों जियो का, ये डिफॉल्टर लगाई है जी, इसका पहले भी किसी के साथ चक्कर था जी, तो इसने पहले भी इसे मारने की धमकी दी थी जी लड़के को जी। कितने साल पहले शादी हुई थी जी? शादी के तो हो गए जी 8-10 साल, 8-10 साल हो गए, 12 साल। तो क्या लगता है कैसे मौत हुई है आपके भाई की? सर ये तो देखो मर्डर है जी, तो सरेआम दिख रहा है, मारिया इनकी और मर्डर के मारिया जी, इनमें पूरी इसका जो इसकी वाइफ है जी और इसके पूरे परिवार का हाथ है जिसके अंदर, सारा परिवार है, पूरा परिवार। वाइफ कहाँ पर है? वाइफ तो जी आज जिस दिन डेड बॉडी मिली है जी, उस दिन आई है जी वो, जब उसे पता लगा कि हमने FI दर्ज कराई है उस दिन आई है जी वो घर पे जी। क्या नाम आपका? सुनील है सर। तो दूसरे इस समय परिवार के सदस्य हैं आप बताएं, महेंद्र हैं जिनकी लाश मिली है, आपने पहचान कर लिया, कल हमने खबर दिखाई थी लेकिन अननोन थी, हाथ पे KML लिखा हुआ था, तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि उसकी पत्नी इसमें शामिल हो सकती है? उसकी पत्नी ने तो पहला पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, जद भी उसका उसके साथ थी, और जब उस गाड़ी में आई उस गाड़ी में उसके साथ थी, ये तो सारा प्रूफ है इसका। तो कोई झगड़ा होता था पति पत्नी का? ना कोई झगड़ा नहीं था। तो कोई परेशान हो रहा हो, आत्महत्या कर ली हो नहर में? ना, 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 नहीं सर, वो ईशान तो कोई आई थी, ईशान तो ईशान नॉर्मल छोरा था, उसे गाल भी देता भी नहीं आता सर, अगर कोई से थप्पड़ भी मार दे तो वो उसका जवाब भी नहीं देता था, इतना शरीफ लड़का था, सिर्फ उसे कमाई कमाई का पता था और किसी बात का कोई पता नहीं था, अगर सर वो बदमाश होता तो ये हरकतें क्यों होती, ये क्यों लेके जाती उसे, अगर इतना तेज होता वो तो बिल्कुल शरीफ था, उसे तो बेला फुसला के लेके गई है जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय महेंद्र नाम के युवक के तौर पर उसकी पहचान हुई है, और इस समय जो तमाम उनके परिवार के लोग हैं वो इस समय करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज या सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे हुए हैं, और उसी की पत्नी पर जो है आरोप लगा रहे हैं, आरोप ये लगा रहे हैं कि उसकी पत्नी के किसी और के साथ अवैध संबंध थे और हत्या का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहरहाल पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार महेंद्र की जो मौत है वो कैसे हुई है, क्योंकि बॉडी काफी दिन पुरानी लग रही थी जो कल नहर से बरामद हुई है, तकरीबन 7 से 8 दिन पहले जो है महेंद्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था, जिसकी लाइव तस्वीरें से आप देख सकते हैं, जो पुलिस की टीम पहुंची हुई है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस भी मौके पर पहुंची है और इस समय नहर से मिले शव की पहचान हो चुकी है, महेंद्र उसका नाम है, तकरीबन 32 साल उम्र है। सर क्या बताना चाहेंगे, कल एक चमारखेड़ा पुलिया से एक लाश बरामद हुई काफी दिन पुरानी, कहां का ये रहने वाला था नौजवान युवक और क्या कहेंगे? ये महेंद्र सनोफ राजाराम है सर,
वार्ड नंबर 13 निशंक का रहने वाले हैं। इसकी ये पहचान हुई है महेंद्र नाम से। तो कितने दिन से लापता था सर ये? ये जो परिवार वाले बता रहे हैं 8-10 दिन से बता रहे हैं सर। तो गुमशुदगी का मामला भी दर्ज था? हाँ, गुमशुदगी का मामला दर्ज है। तो परिवार के लोग अभी पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं कि पत्नी शामिल हो सकती है, हत्या का आरोप लगा रहे हैं सर अभी। तो कार्रवाई करेंगे उस आधार पर? हाँ, जैसे उच्च अधिकारी आदेश करेंगे। तो बाकी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है सर? पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तो बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं पुलिस की टीम जो है मौके पर मौजूद है और हम आपको बताना चाहेंगे कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और परिवार ने उसी की पत्नी पर आरोप लगाया है कि किसी के साथ मिलकर हो सकता है कि महेंद्र की हत्या कर दी गई हो। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो ये लाइव तस्वीर इस समय आपने देखी करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में इस समय मौजूद है। हमने आपको कल तस्वीरें दिखाई थी कि करनाल के काठवा रोड स्थित जो नहर पड़ती है वहां पर एक नौजवान युवक की लाश मिलती है। ब्राउन रंग की उसने बेल्ट डाली हुई थी, नीले रंग की उसने फुल स्लीव की टी शर्ट डाली हुई थी और नीले रंग की उसने जींस डाली हुई थी। उसकी पहचान नहीं हुई थी लेकिन करनाल विकिंग ने उस खबर को दिखाया और उस खबर को दिखाए जाने के बाद जो है उनके परिवार के लोगों तक जानकारी पहुंची और निशिंग से उनके जो परिवार के लोग हैं वो पुलिस से संपर्क में आते हैं और उसकी जो पहचान है वो कर ली जाती है। जो पहचान है महेंद्र नाम के युवक के तौर पर हुई है। महेंद्र जो है निशिंग का रहने वाला था, 32 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, शादीशुदा था और परिवार के लोगों ने बताया कि तकरीबन 7 से 8 दिन पहले 4 तारीख को वह अपनी पत्नी के साथ जो है करनाल आया था। पत्नी उसको अपने साथ किसी की गाड़ी पर लेकर आई थी और आरोप ये लगा रहे हैं कि उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली जाती है, यानी कि संदिग्ध परिस्थितियों में महेंद्र लापता हो जाता है। लेकिन परिवार के लोग सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं उसकी पत्नी पर कि उसकी पत्नी का जो संबंध था किसी और के साथ था और उनके जो बेटे की हत्या जो है करवाई गई है। बहरहाल अब पुलिस जो है पोस्टमार्टम करेगी, शव का पोस्टमार्टम करेगी, क्या कुछ उस मामले में निकलता है उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन परिवार के जो लोग हैं यानी कि जो महेंद्र के परिवार के लोग हैं वो सीधे तौर पर जो लड़की है यानी कि उसकी जो बहू है उस पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और उस पर जो है किस तरह से कई तरह के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब इस समय पुलिस जो है मौके पर पहुंच चुकी है और महेंद्र के शव का जो है पोस्टमार्टम करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में किया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिरकार महेंद्र की हत्या के बाद उसके शव को नहर में गिरा गया या महेंद्र द्वारा आत्महत्या की गई है या कुछ और कारण हो सकता है। तो बहरहाल पुलिस सभी पहलुओं को लेकर मामले की गहनता से छानबीन करती हुई नजर आ रही है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल वे हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए ताकि करनाल वे हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।